अमेरिकन बिजनेस फोरम का सालाना एशिया रॉयल पाम कंट्री क्लब लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें अमेरिकन सफीर कैमरॉन मंटर, अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल लाहौर नैना फाइट के अलावा कारोबारी और सहाफती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैमरॉन मंटर ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल मजीद बेहतर करने की गुंजाइश और जरूरत मौजूद है और अमरीका पाकिस्तानी मईशत को मजबूत देखने का ख्वाहा है। Pakistan is trade and relations with us. The future for American is investment. That's where we're going to be able to build a strong relationship that will get past this question of whether there are difficulties at the present and really get us to focus on the benefits of the future. Is mauka par American Business Forum ke sadr Salim Ghauri aur senior naib sadr Ibrahim Qureshi ne News 1 se guftugu mein kaha ke Pakistan mein maujood American karobari companies yahan ki maishat mazboot karne mein ahem kirdar ada kar rahi hain. Dekhiye American Business Forum hai jisme 43 American companies मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है हमें 3 साल पहले। इसका सर में एक मकसद है कि जो जितनी भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। एम्बेसडर कैमरन मंटर का इस ओकेजन को ग्रेस करना इस चीज़ की यकीन दहानी करता है कि यूएस और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और द बेस्ट वे टू रीच आउट इज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अमरीकी कारोबारी इदारों का पाकिस्तान में कामयाबी से हमकिनार होना दीगर ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी का बायस बन सकता है। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब अहमद ताबी, न्यूज़ 1 लाहौर।